5 अगस्त के बाद पूरे कश्मीर घाटी में इंटरनेट बंद रहा, जिसका असर मोबाइल फ़ोन बेचने वाले दुकानदारों पर पड़ा। इंटरनेट न होने की वजह से स्मार्टफोन की बिक्री में काफ़ी गिरावट आई है। आइए हम कुछ दुकानदारों से बात करके उनसे पूछते हैं कि उनके बिजनेस का भी क्या हाल है, और हाल ही में जो 2G इंटरनेट सेवा शुरू हुई, क्या उनसे कोई फ़ायदा हुआ उसका या के नहीं। हमारे आउटलेट में 50 से 60 फोन पर डे निकलते थे, आज के डेट में हमारा 3 या 4 पीस निकलते हैं। अब जो इंटरनेट बंद था ना, इंटरनेट बैन था, तो उसकी वजह से हमारा बिज़नेस बहुत सफ़र हो गया, और ये जो हमारा ये सफ़र जो बिज़नेस हो गया, तो हम इसमें रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंटरनेट की वजह से हमारी जो ये सेल है वो पुशअप नहीं हो पा रही है, वो बिल्कुल वो ना ऊपर से नीचे आ गई है, और मैक्सिमम जो हमारा इफेक्ट हुआ है स्मार्टफोन की वजह से हुआ है। तो कस्टमर प्रेफर नहीं करते हैं आज स्मार्टफोन लेना, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो फीचर्स फोन होते हैं वो वही प्रेफर करते हैं। स्मार्टफोन इसलिए लेते हैं ताकि नेट एक्सेस करें, यूट्यूब जो आज सोशल मीडिया है, सोशल ऐप्स है, तो उसकी वजह से बहुत सारी वो जो उसमें वो डिक्रीज हो गई सेल। तो आप इतने अभी कितने स्मार्टफोन्स बेच रहे हैं सर? जो हम रोज़ का काम था उसका 5% हम बेच रहे हैं, और स्मार्टफोन यहाँ पर हाई एंड ही ज़्यादा चलता था, अब वो 4 से 5% हो गया, लेता ही नहीं कोई स्मार्टफोन, किस काम का स्मार्टफोन। हमने कश्मीर में बहुत से पीरियड्स देखे, मगर ये जो ये वाला पीरियड था, इसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल बैकबोन वो ख़त्म हो गया। हम तो यहाँ पर, हमको तो यहाँ पर स्टोन एज पे रखा है, जो दावे करते थे हमारी गवर्नमेंट करती है डिजिटल डिजिटल करना, तो हम तो डिजिटल से स्टोन एज पे आ गए। जब यहाँ पे स्मार्टफोन थे नहीं, तो मैक्सिमम उस पर सेल जो फीचर फोन थी वो पुशअप हो गया, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, क्योंकि बिग्रोथ वो इंटरनेट की वजह से। और हम अभी आपको मैं बताता चलूँ कि हम अभी स्मार्टफोन यहाँ पे नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि हमारा सर्विस सेंटर का इशू रहता है, फिर यहाँ पे वहाँ नेट नहीं चलता है, तो इसलिए हम आज हम भी प्रेफर करते हैं कस्टमर हमसे फीचर फोन ही ले जाते हैं, बेहतर है उनके लिए फीचर फोन, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये खर्च करेंगे वही काम, वो 1,000 रुपये 500 रुपये में निकालते हैं। ऑब्वियसली जब इंटरनेट ही बंद है तो स्मार्टफोन का क्या है यहाँ पर है, तो स्मार्टफोन तो तब जाके यूज़ करेगा, वो तो यूज करेगा जिसको फॉर एग्जांपल डाउनलोड करना होगा, बुक्स निकालने होंगे। तो सप्लाई में जो अपनी सप्लाई होती थी, मतलब स्मार्टफोन्स की सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूटर देते थे आपको, उसमें कितना इफेक्ट हुआ है, कितना? 90% इफेक्ट हुआ, जो सप्लाई हमारी 80% हमारी सप्लाई आज कम है, जो हम पहले मंगाते थे, तो उससे मान लो ये आप देखो 80% सप्लाई हमारी कम है। तो अगर इंटरनेट रेस्टोर हो गया, कश्मीर में इंटरनेट रेस्टोर हो गया, तो आपको लगता है कि फिर से आप मतलब वैसे ही काम करोगे जैसा आप पहले करते थे? फर्क आएगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है ऊपर वाले। सर्विस सेंटर की कमी और इंटरनेट न होने की वजह से कोई खरीदार स्मार्टफोन लेना नहीं चाहता है। जब तक इंटरनेट पूरी तरह से बहाल नहीं किया जा सकता, स्मार्टफोन बेचने वाले दुकानदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।